नमस्कार दोस्तों वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन नाउ यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट काफी बार जब हम बात करते हैं यूएफओ की तो बिकॉज़ ऑफ हॉलीवुड मूवीज उसके अलावा कार्टून्स एनिमेशन लोग बात करते हैं एलियंस की जबकि यूएफओ कुछ भी हो सकता है आप आसमान में देख रहे हो कुछ आपको बहुत ही तेजी से ऑब्जेक्ट हिलती हुई नजर आ रही है तो यहां पे आप कहोगे दिस इज ए यूएफओ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फ्लाइंग जरूरी नहीं है कि धरती के बाहर की हो धरती में भी एक यू आपको दिख सकती है ना हाल ही में यूएसए में आपको बताऊंगा बहुत ही बड़े स्केल पर इनकी नेवी ने खुद अपने कैमरा से रिकॉर्ड किए बहुत सारे यू वो वीडियोज अभी आपको बाद में और दिखाऊंगा मगर जैसी पूरी दुनिया ने ये वीडियोज देखी तो यहाँ पे क्वेश्चन ये सामने आया कि क्या यूएस ने पहली बार कैमरास में यूएफओ एलियंस कैप्चर किए हैं वेल well, अभी इसको लेकर यूएस दो रिपोर्ट्स पब्लिश करेगा देखो ये जो टॉपिक है ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा एक ऑलमोस्ट एक मजाक सा ही बन गया है क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सी उल्टी सीधी वीडियोस लोगों ने बनाई है कच्चे पक्के एविडेंस के साथ मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन की यूएसए दो ऑफिशियल रिपोर्ट एक पेंटोग की और एक तो अपनी गवर्नमेंट की ये रिलीज़ करेगा इस महीने और यूएस का जो मीडिया है वो यहाँ पर ऑलरेडी क्लेम कर रहा है कि इनके सूत्रों के हिसाब से जो यूएस की इंटेलिजेंस ऑफिशियल रिपोर्ट होगी यूएफओ को लेकर वहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ये कहने वाली है कि ये कोई एलियन स्पेस नहीं थे एटलीस्ट कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि जो स्पेस हमने फिल्म किए खुद ये एलियन थे और देखो ये टॉपिक सिर्फ एलियंस तक अटका नहीं है मैं चाहता हूं कि इस पूरी वीडियो में आप ये मत सोचे कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते उस पर यहाँ पे बातचीत हो रही है नहीं मेन यहाँ पर कंसर्न यू को ये है कि जो वीडियो मैंने कैप्चर किया अगर ये एलियन नहीं है तो क्या है अगर ये कोई मैन मेड ड्रोन है कोई अगर फाइटर जेट है तो यू के लिए ये और ज़रा बड़ी सरदर्दी है कई यू एस पॉलिटिशंस ने यह कहा है कि हम प्रेयर करते हैं ऊपर वाले से कि ये एलियन ही हो क्योंकि अगर रशिया चाइना ने ऐसी टेक्निक के एयरक्राफ्ट बना दिए हैं जो इतनी तेज़ी से मूव कर सकते हैं एफ़ एटीन को भी बीट कर सकते हैं स्पीड में कॉम्प्रहेंसिवली तो यूएस मतलब के टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत पीछे छूट चुका है कंपेयर टू चाइना रशिया या फिर दुनिया की और किसी कंट्री के ना सबसे पहले हम देखते हैं उन वीडियोस को जिनकी हम बात कर रहे हैं यूएस की नेवी ने हाल ही में बहुत सारी वीडियोज़ रिलीज़ करी ये वीडियोज़ बाय द वे किसी एक दिन की नहीं है एक साल की नहीं है ये वीडियो स्कैटर्ड है कुछ वीडियोस ली गई थी 2014 में कुछ है 2004 की भी वीडियोस हैं यहाँ पर फिर 2015 की वीडियोस हैं और कुछ 2019 की भी यहाँ पर वीडियोस हैं वीडियो में यहाँ पर यह दिखता है कि अचानक से एक सफेद राउंड ऑब्जेक्ट ये कैमरा के सामने आती है और फिर ये भागना स्टार्ट कर देती है नाव सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो ये रिकॉर्डिंग थी ये करी है यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट ने यूएस नेवी के बारे में आपको बताओ कि इनके पास खुद के तीन हजार सात सौ एयरक्राफ्ट है दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना है यूएसए की नंबर दो पे कहा जाता है कि यूएस की नेवी ही है क्योंकि दुनिया की किसी और एयरफोर्स से ज्यादा एयरक्राफ्ट है यूएस नेवी के पास तो पिछले कुछ सालों में काफी बार यह हुआ कि कैलिफोर्निया पे आप, आप देख पा रहे हैं कैलिफोर्निया इस एरिया के आसपास अमेरिकन रिडार्स में कुछ एक ऑब्जेक्ट आई बहुत तेजी से ऑब्जेक्ट आती थी फिर चली जाती थी और ऑब्वियस बात है जब आपके रिडार में कुछ आपको दिख रहा है तो आप अपने जो प्लेन है रवाना करोगे चेक करने के लिए कि रिडार में था क्या अब जैसे ही प्लेन पहुंचता था उसको दिखता था यहाँ पर यह दृश्य और यहाँ पर आप देख पाओगे ये वो वीडियो है ऑडियो मैंने इसकी ऑफ कर रखी है क्योंकि जो पायलट है जब इसने जिंदगी में पहली बार ये दृश्य देखा कि जिस स्पीड से वो यहाँ पर फ्लाई कर रहा है ऑलमोस्ट उसी स्पीड से एक्चुअली बाद में स्पीड को बीट करते हुए ये ऑब्जेक्ट बड़े आराम से यहाँ पर फ्लाई कर रही है और सबसे अजीब बात यह है कि इसकी शेप देखो ट्रैंगुलर शेप नहीं है एरोडाइनेमिक्स की जो भी हमारी समझ है सबको यहाँ पे डस्टबिन में फेंक कर ये राउंड ऑब्जेक्ट इतनी तेज़ी से फ्लाई कैसे कर रही है और यहाँ पे आप देख पाओगे जो इसकी मूवमेंट है और सडनली ये यहाँ पे ऑलमोस्ट एक पिंग पोंग बॉल की तरह फिर कहीं और चली जाती है सो so, ये सब देख के जो पायलट्स थे वो भी काफ़ी हद तक शौक थे ये एक और यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो है यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ऑब्जेक्ट इसको ट्रैक कर पाना भी अपने आप में एक चैलेंज है और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये उन्होंने यहाँ पर इसको ट्रैक किया है सो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या है ये कहा से आई है इस पर बहुत सारी कच्ची पक्की थ्योरीज हैं कई जो एलियंस के एंथुजियास्ट एंथुजिया जो चाहते हैं कि एलियंस दिखे धरती पर उन्होंने ये थ्योरी बना दी कि जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स मार्स पर मून पर प्रोस भेजते हैं रोबोट्स भेजते हैं रोवर भेजते हैं वैसे यहाँ पर किसी एलियन सिविलाइजेशन ने कुछ यहाँ पे अपना एक ड्रोन या फिर एक एयरक्राफ्ट भेजा है चेक करने के लिए हमारे प्लानिट को तो अगेन कच्ची पक्की थ्योरीज है कोई बेसिस नहीं है इसका ऐसी थ्योरी दुनिया भर की आपको मिलेगी मगर ज़्यादातर लोग देखो यहाँ पर यही मान के चल रहे हैं कि जो ये यह यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिखी है यहाँ पर यू नेवी को या तो कोई सॉफ्टवेयर में इनके गलती आ गई ये भी हो सकता है अब हालांकि इसके चांसेस कम दिख रहे हैं क्योंकि 2014 में गलती होगी फिर 2004 में भी गलती 2005 में भी गलती 2015 में भी गलती तो लगातार इतने सालों से गलतियां तो हो नहीं सकती अगर गलती होती तो रेटिफाई कर लेते फिर देखो यहाँ पे एक तर्क ये लगाया जाता है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ पे आप अगेन दीज वीडियोज आर अमेजिंग ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये क्या है ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि रशिया ने कोई नया ड्रोन बना लिया हो कोई अनमैंड एयरक्राफ्ट हो यूएस अभी के लिए यही गैस कर सकता है और इनकी जो ये रिपोर्ट है इसमें ये लिखा है रिपोर्ट के बारे में आप अगर पढ़ोगे आर्टिकल्स में तो वहां पर हर जगह ये लिखा है कि रिपोर्ट खुद ही काफी हद तक कन्फ्यूज लग रही है क्योंकि यहाँ पे एविडेंस के नाम पे बहुत कम है हमारे पास और जब इस टॉपिक के बारे में बराक ओबामा से ही पूछा गया जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बिफोर डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने भी कहा कि हमको नहीं पता ये क्या है प्रेसिडेंट आर्मी जनरल सब बस देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है क्या इतनी तेजी से मूव कर रही है और इसकी जो शेप है ये भी बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल है राउंड तो यू ने अभी के लिए एक बना दी है टास्क फोर्स टास्क फोर्स का नाम है अन एरियल फिनोमिना अब देखो कॉमेडी है कि यूएस में ये लोग इसको ऑफिशियली यू एफ ओ भी नहीं बोल रहे ये इसको कह रहे हैं यू ए पी यू ए मतलब अन आइडेंटिफाइड एरियल फिनमिना और देखो कई अमेरिकन है आज के समय जो यू एस गवर्नमेंट की इस भाषा से काफी हद तक गुस्सा है गुस्सा क्यों है क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि रियलिटी ये हुई है यहाँ पर कि रशिया चाइना और कई और देश मिलिट्री टेक्नोलॉजी में यू एस से आगे निकल चुके हैं और अब ये यहाँ पे अपनी कमियाँ छुपाने के लिए यू एफ ओ एलियन ये जो थ्योरीज हैं ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखोगे ये इस पे आर्टिकल है यूएस का ही के एडवर्सरी ड्रोन आर स्पाइंग ऑन द यूएस जो यूएस के प्रतिद्वंदी हैं एडवर्सरी मतलब के प्रतिद्वंदी ये आज के समय इन ड्रोन्स के जरिए यूएस पर स्पाइंग कर रहे हैं ये लोग स्पाई कर रहे हैं कि यूएस के एयरक्राफ्ट कहाँ पर डिप्लॉयड है इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहाँ पर डिप्लॉयड है कितनी तेजी से ये मूव करते हैं इनकी फॉर्मेशन क्या है ये सब आज के समय हमारे एनिमीज पता लगा रहे हैं ड्रोन्स के जरिए और जो ये फुटेज है ये ड्रोन्स की ही है और पेंटोगान शर्म के मारे यहाँ पे अपनी कमियां छुपाने के लिए कह रहा है कि नहीं ये यू एफ है तो अगैन कुछ लोग इस थ्योरी पर भी बिलीव कर रहे हैं इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका लॉजिक यहाँ पे आपको क्या सजेस्ट करता है कि रियलिटी यहाँ पे क्या हो सकती है मगर ओवरऑल देखा गया है कि दुनिया भर में जो भी साइंटिस्ट हैं ये यहाँ पर एलियन की थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि देखो इससे पहले देखा गया है कि बहुत बार रिपोर्ट्स आई हैं कि ह्यूमन uh, बींग्स ने अंतरिक्ष में कुछ देखा है मगर बाद में पता लगा कि मोस्ट प्रॉब्लली लाइट का कुछ इशू होगा लाइट मूव कर रही होगी यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट होगी हवा में uh, उसको गलत तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया होगा अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस बताता हूँ 1561 का कभी गूगल करना 1561 सिक्सटी वन नूरमबर्ग नूरमबर्ग एक बहुत ही फेमस शहर है यूरोप में उस टाइम ये पार्ट था होली रोमन एम्पायर का तो सिक्सटीन सेंचुरी में क्या होता है कि अचानक से यहाँ पे नूरमबर्ग में आकाश में ये दृश्य दिखता है और इसके बारे में प्रॉपरली जो यहाँ पर पढ़े लिखे स्कॉलर्स थे उन्होंने डिपिक्ट किया है लिखा है इसके बारे में इसकी ड्रॉइंग्स बनाई है कि पहले तो बिल्कुल क्लियर स्काई था खुला आकाश अचानक से बहुत सारी राउंड ऑब्जेक्ट्स सा आ गए ये बहुत अजीब लगता है कि चाहे सिक्सटीन सेंचुरी हो या फिर अभी हम ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जिरे हैं हमेशा राउंड ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है अंतरिक्ष में तो यहाँ पे उन्होंने भी बोला कि राउंड ऑब्जेक्ट्स आ गई फिर उसके बाद बहुत सारी गुलेल आई और ऐसे लग रहा था कि अंतरिक्ष में लड़ाई चल रही है ये यह लिटरली यहाँ पर लिखा कि पूरे गाँव के लोग और सब लोगों ने यहाँ पर देखा कि अचानक से जो ये शेप्स हैं ये आपस में लड़ रही थी और फिर कई शेप्स गायब हो गई कुछ बची और उसके बाद वापस का क्लियर हो गया ये कई लोग कहते हैं कि पहली ऑफिशियल साइटिंग है ऑफ जहाँ पर किसी ने प्रॉपर इमेज बनाई कि यूएफओ कैसी थी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया कि क्या इवेंट्स हुए क्या क्या उन्होंने यहाँ पर देखा ये एलियन का यहाँ पे कुछ रिलेशन है इस थ्योरी को बहुत ही फेमस स्विश साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग ने रिजेक्ट कर दिया था इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है फ्लाइंग सोसर्स ए मॉडर्न मिथ ऑफ थिंग्स सीन इन द स्काई इन्होंने अपनी किताब में बताया कि किस तरीके से इंसानी दिमाग काफी बार लाइट की रिफ्लेक्शन को या फिर किसी और ऑब्जेक्ट को अपने आप एज्यूम कर लेता है कि ये कुछ दुनिया से बाहर की चीज़ है ये कोई अनोखी चीज़ है ऑलमोस्ट एज एफ हमारा ब्रेन प्रोग्रामड है इस उम्मीद में बैठा है कि ऐसा कुछ हो हमें कुछ यहाँ पे नया देखने को मिले तो इस किताब में उन्होंने ऐसे बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं इसको कवर किया और कहा है कि हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज या तो ये धरती की चीज़ होती है या कोई प्लानट मूव कर रहा होता है या फिर कोई मिट्टी या फिर एस्ट्रॉयड भी हो सकता है आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में हमारे पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है किसी यूएफओ की क्लियर का मतलब होता है प्रॉपरली हम देख पाए कि किस चीज़ का वो बना है ये भी जो इमेजेस आई हैं फ्रॉम यूएस नेवी जो वीडियो आई है सब धुंधली सी है ग्रेनी सी है दिखता नहीं है कि एक्चुअली में हम देख किसको को नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आज के सभी साइंटिस्ट पे रिजेक्ट करें एलियन की थ्योरी को ये फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरी से चलता आया है और अभी के लिए देखो प्रेशर यूएस गवर्नमेंट पे है कि लगातार भविष्य में भी है। इस टाइप की यूएफ साइटिंग अगर होती रहती है लोग अपने स्मार्टफोन्स में इनको कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये अपनी जनता को क्या बताएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आंसर देना होगा ये हमेशा के लिए कह नहीं सकते कि हमको नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है तो मतलब यहाँ पे आप कह रहे हो कि आप पावर में नहीं हो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री को यही नहीं पता कि उनके स्काइज में क्या चल रहा है सो so एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है खैर अभी तो इसकी रिपोर्ट सामने आई है भविष्य में आप देखोगे की इस टॉपिक पर बहुत सी और अपडेट्स आएंगी और अगर जो पेंडेगॉन की रिपोर्ट आनी है इस महीने के अंत में उसमें अगर कोई ये रिमार्केबल बात शेयर करते हैं बहुत ही स्पेशल बात तो उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो भी ले आऊंगा और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि आज के समय एक मेगा ऑफर चल रहा है एसएससी बैंक आरबीआई रेलवेज का कॉम्बो ऑफर इसका जो लिंक है ये मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में इट विल बी पिंट देयर लिंक पे क्लिक करना और यहाँ पे आप अगर यूज करेंगे प्रोमो कोड पी टेन तो ऑब्वियस ही बात है आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट और आप यूज कर सकते हैं पीडी टेन टू सेव मनी और इन सब एग्जाम्स की तैयारी आप कर पाएंगे विद वन सिंगल सब्सक्रिप्शन सो यूज द कोड पीडी टेन एंड सेव मनी इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल